खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर बॉलीवुड। नमस्कार, मैं अक्षय वही अंसारी और आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की खास पेशकश खबर बॉलीवुड। सबसे पहले आज की बॉलीवुड खबरों की शुरुआत करते हैं आदि पुरुष से। जी हाँ, ओम राव के निर्देश में प्रभास और कृति सेनन स्टारर आदि पुरुष की हर तरफ भयंकर आलोचना हो रही है। फिल्म पर लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए लेकर रामायण की मूल भावना से छेड़छाड़ तक के आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, फिल्म में कलाकारों के लुक से लेकर डायलॉग्स तक पर भी बवाल मचा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चौतरफा आलोचना के बाद भी प्रभास की फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। ये रिकॉर्ड फिल्म की बम्पर ओपनिंग और साउथ एक्टर से जुड़े हैं। आइए आपको बताते हैं साउथ सुपरस्टार की फिल्म ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। प्रभास की फिल्म ने शुरुआत तो काफी अच्छी की, लेकिन फिर फिल्म के दर्शक ही इसके दुश्मन बन बैठे। रिपोर्ट्स के अनुसार आदि पुरुष ने हिंदी में ओपनिंग डे पर 37 करोड़ के साथ शुरुआत की, जो पठान और केजीएफ 2 के पहले दिन के कलेक्शन के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बताई जा रही है। प्रभास की फिल्म का कलेक्शन आर्या और रणबीर स्टारर ब्रह्मास्त्र के पहले दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा है। ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन 36 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके अलावा आदि पुरुष ने पहले ही दिन 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जिसके साथ ये उन हिंदी फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है जिन्होंने पहले ही दिन सबसे अधिक कमाई की। इस फिल्म के साथ ही प्रभास ऐसे पहले साउथ एक्टर बन गए हैं जिनकी लगातार 4 फिल्मों ने पहले ही दिन 100 करोड़ का कलेक्शन किया है। उनकी फिल्म बाहुबली, बाहुबली 2 और साहू ने लगातार बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद अब आदि पुरुष भी पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करते हुए पहले दिन 100 करोड़ कमाने वाली प्रभास की चौथी फिल्म बन गई है। अब बात करते हैं अपकमिंग मूवी इमरजेंसी की। कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट सामने आ गई है। कंगना ने फिल्म का टीजर शेयर किया और साथ ही बताया कि ये इसी साल 24 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि पहले फिल्म की रिलीज डेट अक्टूबर रखी गई थी, लेकिन अब इसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा। 1:12 के इस टीजर को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि रक्षक या तानाशाह, हमारे इतिहास के सबसे काले दौर का गवाह बने जब हमारे राष्ट्र के नेता ने अपने लोगों पर युद्ध की घोषणा की। इमरजेंसी 24 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज हो रही है। इमरजेंसी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इसे हिंदी में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को निर्देश कंगना रनौत ने किया है और पटकथा रितेश शाह की है। टीजर की शुरुआत होते ही जिसमें 25 जून 1975 की वो तारीख दिखाई जाती है जिसे इस देश पर इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके बाद आती है उपद्रव की सेना, अखबार की एक हेडलाइन जिस पर लिखा है कि देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। फिर अनुपम खेर की झलक भी दिखाई जाती है जिसमें वो सलाखों के पीछे नजर आते हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है, गोलियां चला रही है। फिर आती है इंदिरा गांधी की दमदार आवाज, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आखिर में लिखा जाता है कि दुनिया भर के सिनेमा घरों में 24 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी। अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीमा के बीच एक ऐसी प्रेम कथा की जिसे लोग दोबारा रिलीज पर भी पसंद कर रहे हैं। गदर एक प्रेम कथा, ये रिलीज हुई भले ही 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये फिल्म लोगों की आंखों में आंसू ला देती है। गदर री रिलीज के बाद से ही सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। हाल ही में तारा सिंह और सकीना की आगे की कहानी गदर 2 के टीजर में नजर आई। गदर 2 की कहानी में सारे पुराने किरदार हैं, बस कमी है तो सकीना के पिता अशरफ अली यानी अमरीश पुरी की। आज एक्टर का जन्मदिन है, इस मौके पर उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि गदर 2 में अशरफ अली के विलन वाले किरदार की जगह कौन नजर आएगा। अमरीश पुरी का गदर में अशरफ अली के रूप में दमदार किरदार था। इंडस्ट्री में इस किरदार को क्या कोई निभा सकता है?
ये सवाल हर फैंस के दिल में है। ऐसे में हम आपको बता दें कि कोई भी फिल्म में अशरफ अली का किरदार निभाते नजर नहीं आएगा। जी हाँ, बतौर विलेन अमरीश पुरी की जगह जरूर मनीष वाधवान निभा रहे हैं, लेकिन उनका किरदार अमरीश पुरी के किरदार से बिल्कुल अलग है। एक इंटरव्यू में मनीष वाधवा ने खुलासा किया था कि वो फिल्म में पाकिस्तानी आर्मी अशरफ का किरदार निभाएंगे। इंटरव्यू में मनीष वाधवा ने खुलासा किया था कि वो अपनी फिल्म में पाकिस्तानी आर्मी अशरफ का किरदार निभाएंगे। वाधवा ने यह भी कहा कि अमरीश पुरी के किरदार की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए उनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। बता दें कि मनीष वाधवा ने पठान में जनरल कादिर की भी भूमिका निभाई थी। वहीं मनीष टीवी के पॉपुलर शो चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य का किरदार निभा चुके हैं। एक्टर को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। आज की खबर बॉलीवुड में बस इतना ही। कहीं जाइएगा मत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पीसीएन न्यूज। फिर और मिलेंगे ऐसे ही बॉलीवुड की चटकदार खबरों के साथ। नमस्कार।